Good morning to you, dear student. Now we are going to start our EVS period. Okay. In our last period, we completed our lesson number 1, and I was telling you question answer. मैं आपको क्या बता रही थी? Question answer. Okay. But now I will send you question answer on your WhatsApp group. अब मैं आपकी question answer आपके WhatsApp group में send कर दूँगी. So we are starting our next lesson. Lesson number 2. Subject EVS, and we are starting our lesson number 2. The name is So Many Kinds of Animal. So many kinds of animal. अब मुझे बताओ, so many means क्या होता है? So many means a lot of. Kinds? Kinds means type. Animal? You know it. It means हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत सारे तरह के animal. There are so many types of animal that we are going to read in this lesson. Now firstly, before starting the lesson, आपको कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, है ना? क्या पिक्चर दिए हुए हैं? First is elephant, the big and black. Second, a deer. Next, a manna. Next, a parrot. And last, a snake. है ना? आपको ये सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपके पिक्चर में? You will easily recognize the animal in the picture. आप लोगों ने अपने पिक्चर्स के एनिमल को इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया, इट मींस इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया. टेल देयर नेम एंड आल्सो देयर स्पेशल फीचर्स. नाउ यू हैव टू टेल देयर नेम. यू टोल्ड मी. नाउ देयर फीचर्स. फीचर्स स्पेशल चीज. हमें इनके बारे में एक एक स्पेशल चीज बतानी है. किससे स्टार्ट करें? एलिफेंट से स्टार्ट करें. सी, the first special feature of elephant is it is the biggest animal. It is the heaviest animal. Correct. Now about parrot. Parrot is green in color. Parrot has a red beak. Parrot can mimic the human being. Parrot mimicry karta hai na human being ki. Next, snake. Snake is the crawling animal. It can be called as another type of snakes are cobra. Correct. Next, deer. Deer is a herbivorous animal. Herbivorous animal कौन से होते हैं? जो grass खाते हैं. Deer सिर्फ और सिर्फ grass खाता है. That's why deer is a herbivorous animal. Now manna. The sound of manna is very sweet. Correct. Now come down. Can you tell? Once again, can you tell? क्या आप बता सकते हो? Name us. अब नीचे आपको कुछ हिंट दी हुई है. आपको उनके names बताना है. Animal that fly in the sky. Animals that live in the sky. अब आपको ऐसे एनिमल बताना है जो स्काई में फ्लाई करते हैं. बहुत सारे एनिमल्स हैं. कम ऑन, टेल मी. सी, एनिमल्स दैट फ्लाई इन स्काई. एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो. सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो. ई ए जी एल ई, ईगल. And there are so many. Okay. Now animals that swim in water. Fish. Crocodile. Crocodile. Okay. As well as you can see here frog also. Understood? Now animals that are black. अब जो animals black color में हैं, आपको वो बताना है. बताओ. ब्लैक कलर में एक क्रो होता है. ब्लैक कलर में डॉग भी होता है. बट डॉग तो और कलर से भी होता है.
buffalo. Correct. Double S A L O buffalo. हमेशा बोलते हैं. Next animal that have many colors. अब ऐसे एनिमल जिसके बहुत सारे कलर होते हैं. अब एनिमल इज आस्क्ड यू. हाँ, एनिमल पूछा हुआ है, इंसेक्ट नहीं पूछा हुआ है. कौन से एनिमल्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं? डॉग को भी बहुत सारे कलर होते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, येलो, क्रीम. सो वी कैन राइट हियर डॉग. काउज आल्सो दे हैव सो मेनी कलर्स, है ना? काउ को भी बहुत सारे कलर्स होते हैं. ओके, नाउ वेरी लार्ज एनिमल्स, जो बहुत बिग एनिमल्स हैं. कौन है बहुत बिग एनिमल्स? एक तो एलिफेंट हमने अभी देखा, दिस इज वेरी लार्ज एनिमल. एंड एक्सेप्ट एलिफेंट, कौन सा होता है बहुत बिग एनिमल? हिप्पोपोटामस. एंड यू कैन से बफेलो होता है. कितनी बड़ी और हैवी होती है बफेलो, है ना? नेक्स्ट वेरी टाइनी एनिमल्स, बहुत छोटे एनिमल. अब मुझे बताओ, आप बताओ, बहुत छोटे एनिमल कौन से हैं जिसने आपके मम्मा को परेशान करके रखा है, जिसे आपकी मम्मा बिल्कुल पसंद नहीं करती? मम्मा से पूछना, मम्मा आपके किचन में ऐसा कोई एनिमल है जिससे आप बहुत परेशान हो? मम्मा कहेंगे माउस. रैट. रैट इज अ वेरी टाइनी एनिमल बट इट इज वेरी डिस्टर्बिंग. ओके, नाउ कम डाउन. वेयर विल यू फाइंड अस? फाइंड ढूंढना, देखना. आप इन एनिमल्स को कहाँ देखोगे? वंस अगेन टू पिक्चर्स आर गिवन टू यू. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ईगल. अब मुझे बताओ, आप ईगल कहाँ देखते हो? वाटर में, लैंड में? नो, इन स्काई. वेयर डू यू फाइंड ईगल? इन sky. A cow, sorry, an eagle flies high in the sky. Correct. A cow walks on the ground. आपने cow कहाँ देखी है? Ground में. कभी देखा है किसने cow को flying करते हुए sky में? No. Cow is always on the ground. And fish, where do you find fish? Fish swim in the water. Suppose if they will be matched the pair in exam, then can you match fish, crocodile with water, crow, sparrow with sky, goat, buffalo and dog with ground? Can you match like this? आप ऐसे match कर पाओगे? Okay. Now turn the page. We are of different colors. अब once again आपको कुछ pictures दिए हुए हैं जो different color में हैं. आपको दिखाई दे रहा है? See, Saurus. It is in white color. Buffalo in black color. Peacock in multi color. Green तो है ही peacock में, but green के अलावा भी बहुत सारे colors होते हैं. Peacock is a most beautiful bird and most colorful bird. Okay? The egret is white. The crow is black. The buffalo too is black. Yeah. Crow or buffalo, they both are black. They too are black. But the peacock has many different colors. Yeah. जैसे peacock में different different colors होते हैं, वैसे ही pigeon में भी different different colors होते हैं. Pigeon also has so many colors on his body. Next, we may be big, we may be small. Now, some animals can be big and some animals are very, very small in size. Let's see. The horse and the bullock are large in size. Ab horse aur bullock, ye kaise hai size mein? Bahut bade hain. Horse and bullock are very, very big in size. The goat and the dog are medium size. आपने देखा है ना घर के सामने गोट और डॉग को घूमते हुए? दे आर मीडियम साइज.
मुझे बताओ गोट की साइज में और बुलक की साइज में बहुत डिफरेंस है ना। बुलक लार्जेस्ट एनिमल, गोट मिडिल इन साइज। नेक्स्ट द माउस एंड द स्क्वेरल आर स्मॉल। अब माउस और स्क्वेरल कैसे हैं साइज में, वेरी वेरी स्मॉल एनिमल दे आर। नाउ सी थ्री पिक्चर्स आर अगेन गिवन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्स, इट इज वेरी बिग इन लुकिंग। सेकेंड इज स्क्वेरल, वेरी स्मॉल क्रिएचर। थर्ड इज गोट, द मिडिल साइज एनिमल। समझा? नाउ हियर दिस साइड कॉकरोच एंड एंट इज ऑल्सो गिवन टू यू। अब मुझे बताओ, हम बोल रहे हैं स्क्वेरल को स्मॉल, लेकिन स्क्वेरल से भी स्मॉल कॉकरोच है और कॉकरोच से भी स्मॉल एंट है। द अर्थ वर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल। Gnats and ant are very tiny indeed. Earthworm, cockroach, grasshopper, ये सारे के सारे small हैं, लेकिन ant वो सबसे small हैं, है ना? Now once again, can you tell which animal run very fast? कौन सा animal सबसे fast run करता है? बताओ, which animal run very fast? Cheetah runs very very fast. You know, cheetah is called as the fastest land animal. क्या है cheetah? Cheetah fastest land animal है. Answer 1. Cheetah. Next, which animal move very slowly? कौन सा एनिमल है जो बहुत धीरे धीरे मूव करता है? हमने अपने घर के सामने तो काऊ और बफेलो को देखा है, लेकिन उससे भी धीरे मूव एलिफेंट करता है। हो एलिफेंट, एलिफेंट मूव वेरी स्लो। वी मूव इन डिफरेंट वेज। अब हर एनिमल का अपना अपना मूविंग स्टाइल है। All have different moving style. How? Let's see. A squirrel is a small animal. Squirrel देखिए ना आपने, जो trees के पास में होती है, हम उसे हिंदी में गिलहरी कहते हैं। जो squirrel होती है वो हमेशा trees, greenery, plant इन सब चीजों के आसपास move कर रही होती है। Move करना मतलब चलना, घूमना। कहाँ होती है squirrel? सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी और ट्रीज के आसपास। इट इज निम्बल, इट क्लाइम्स अप अ ट्री क्विकली एंड स्विफ्टली रन अलोंग द ब्रांचेस। वो एक सेकेंड में ट्री के ऊपर चढ़ जाती है, एक सेकेंड में ट्री के नीचे उतर जाती है ना? इट मीन्स स्क्वायरल के लिए ट्री पे चढ़ना उतरना बहुत ज्यादा इजी है। यही चीज एलिफेंट के लिए भी सेम है क्या? क्या एलिफेंट भी ट्री के ऊपर चढ़ सकता है, उतर सकता है? नॉट एट ऑल। क्या गोट ऐसा कर सकती है? अब गोट तो छोटी है साइज में, एलिफेंट चलो ठीक है बहुत बिग है, एलिफेंट नहीं कर पाएगा। गोट वो तो छोटी है साइज में, क्या वो कर पाएगी? नहीं, गोट भी नहीं कर पाएंगी। मुझे बताओ, माउस होते हैं क्या ट्री पर? क्या ट्री पर माउस चढ़ते उतरते हैं? वो तो स्क्वायरल से भी छोटे होते हैं। नो, माउस भी नहीं होते हैं। इट मींस हर एनिमल की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है, अपना एक स्पेशल मूविंग स्टाइल है और अपना एक स्पेशल प्लेस है। जहाँ स्क्वायरल होती है वहाँ पे और कोई नहीं होता, वहाँ से स्क्वायरल होती है ना? Elephant. Now something special about elephant. The elephant's body is bulky. Bulky? Heavy. Elephant की body कैसी होती है? बहुत heavy होती है. कभी किसने देखा है slim trim animal? Elephant? No. The body of elephant is bulky. Is very heavy. Its legs are very heavy. आपने देखिए एलिफेंट के लेग्स कैसे होते हैं, इतने बड़े बड़े है ना? द लेग्स ऑफ एलिफेंट इज ऑल्सो वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं एलिफेंट के लेग।
द एलिफेंट कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड. एलिफेंट स्लोली स्लोली वॉकिंग करता है पर एलिफेंट रनिंग नहीं करता. अगर कभी वो फास्ट चले भी ना तो वो स्पीड भी चल रहा होता है. बट ओनली एट अ ग्रेट स्पीड एलिफेंट कैन नॉट रन. नाउ डियर, डियर थिन लेग. अब डियर के लेग कैसे होते हैं? वेरी थिन. कभी देखा है आपने डियर? डियर्स लेग आर वेरी वेरी थिन. सो इट कैन इजीली हॉप जंप एंड लीप. इसीलिए डियर बहुत इजीली जंप भी करता है हॉप भी करता है. अगर कोई एनिमल बहुत हैवी होता है तो वो कैसे जंप करेगा? आप एलिफेंट की बात कर रहे हैं, आप ह्यूमन बीइंग देख लो, इंसान देख लो. अगर कोई बॉय या कोई गर्ल बहुत फैट है तो क्या वो जल्दी से रनिंग जंपिंग हॉपिंग कर सकते हैं? नो. और वहीं पे जो बच्चे बहुत थिन होते हैं पतले होते हैं वो हॉपिंग भी करते हैं स्किपिंग भी करते हैं रनिंग भी करते हैं जंपिंग भी करते हैं, है ना? जब ह्यूमन बींग में ऐसा होता है तो सिमिलरली ऐसा ही होता है. ऑल द एनिमल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर. एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत डिफरेंट होता है. डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण उनकी स्पेशलिटीज भी बहुत डिफरेंट होती हैं. कुछ एनिमल्स जंप कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं. कुछ एनिमल्स रन कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं. अंडरस्टूड? ओके. नाउ फ्रॉग. हाँ फ्रॉग भी हमने देख लिया. नाउ लेट्स सी कैन यू टेल व्हाई डू वी कीप काउस. अब आप मुझे बताओ हम काउस क्यों रखते हैं? हम काउस को नरिश क्यों करते हैं? बिकॉज काउ हमें क्या देती है? मिल्क देती है. बिकॉज काउ गिव्स अस मिल्क सो वी कीप काउ. नेम सम अदर एनिमल दैट आर यूजफुल टू अस. अब जैसे हम काउ को रखते हैं बिकॉज काउ गिव अस मिल्क. अब काउ की तरह कुछ और एनिमल बताओ जिसे हम क्या पालते हैं, जिसे हम अपना पेट मानते हैं और जो हमारे लिए हेल्पफुल है. जैसे कि डॉग. क्यों? डॉग गार्ड्स अवर हाउस. शिप. व्हाई शिप? बिकॉज शिप गिव्स अस वूल. हॉर्स. हॉर्स व्हाई? बिकॉज हॉर्स टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑक्स. ऑक्स क्यों? बिकॉज फार्मर नीड ऑक्स इन फार्मिंग. दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट. व्हाई डू वी नॉट लाइक इट इफ देयर आर माइस और बैड बग्स इन अवर हाउस. माइस मीन्स माउस. Why do we not like? हमें क्यों पसंद नहीं है? अगर हमारे घर में माउस हो तो हमें क्यों पसंद नहीं है? मैं नहीं बताऊंगी, मम्मा से पूछना. मम्मा आपको बताएंगे. पूछना मम्मा से, मम्मा आपको माउस पसंद है घर में? मम्मा कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं. पूछना क्यों, आपको माउस क्यों पसंद नहीं है? तब वो जो रीज़न बताएंगे ना वो आप मुझे बताना. और बैड बग्स? बैड बग्स क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं खटमल. मम्मा से पूछना, मम्मा हमारे घर के पलंग में बेड में कॉट में जो खटमल हो जाते हैं वो पसंद है आपको? मम्मा कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं. जहाँ जहाँ बैड बग्स होते हैं ना वहाँ पर कभी कोई नहीं सो सकता क्योंकि बैड बग्स हमारी बॉडी को हार्म करते हैं. ओके. Now here we clear our this topic. In next video series we will start the next topic. Till then, bye bye.